हेलो स्टूडेंट्स आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का अगला पार्ट पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन उत्तरी मैदान द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम तीन मुख्य नदियों के द्वारा बना है ये नॉर्दर्न प्लेन नेमली द इंदूज द गंगास एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिबीज और उसकी सहायक नदियों के द्वारा दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ऑलिवल सॉइल ये प्लेन उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ है द डिपोजिशनर ऑफ एल्यूम इज़ अ वॉस बेसिन लेंग एट द फुटिल्स ऑफ द हिमालय हिमालय के बिल्कुल फुट हिल में ये उपजाऊ मैदान पाया जाता है अवर मिलियंस ऑफ ईयर्स कई वर्षों से बना है ये फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन इस एन एरिया ऑफ सेवन लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है द प्लेन बिंग अबाउट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग एंड टू फोर्टी टू थ्री ट्वेंटी किलोमीटर ब्रॉड इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है विथ अ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडिकुट वाटर क्योंकि यहाँ पे सॉइल so, काफ़ी उपजाऊ है पानी की मात्रा है एंड फेवरेबल क्लाइमेट है एंड एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोडक्शंस अच्छा होता है द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दन माउंटेंस आर एनवॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क जो नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है इन द लोअर कोर्स नीचे की तरफ आते आते ये नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर हिमालय के उत्तर की ओर ड्यू टू जेंटस लोअ होते हैं इनका जो ढाल जो गति है, है धीरे हो जाती है बिल्कुल धीमी हो जाती है द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विद रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर लाइन आइसलैंड इस कारण रिवर लाइन आइसलैंड नदी द्वीपों का निर्माण होता है डू यू नो मंजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर लाइन आइसलैंड क्योंकि इनहेबिटेड यानी यहाँ लोग रहते हैं रिवर लाइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड द रिवर इन द देर लोअर कोर्स स्पिल्ड इंटू न्यूमरिस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशनल ऑफ सिट नदियाँ अपनी जो डिपोजिशनल सीट के कारण कई भागों में बढ़ जाती है दीज चैनल आर नोन है वितरिक कहा जाता है द नॉर्दर्न प्लेज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन थ्री सेक्शन नॉर्दन प्लेन को थ्री डिक्स सेक्शन में डिवाइड किया गया द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू अ पंजाब प्लेन वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न जो एरिया है उसको कहा जाता है पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंदूज एंड इट ट्रबीज़ जो सिंधु उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया द लाजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन और इसका लार्जर पार्ट बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है लाई पाकिस्तान द इंदूज एंड द इसकी जो इंदू नदी की सहायक नदियाँ हैं जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं अपन झेलम चेनाब एंड रवी बीज एंड सतलज ऑर्गेनेटेड इन द हिमालय कहाँ से निकलती है नदियाँ हिमालय से दिस सेक्शन टू बी प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब और इस एरिया को दोआब भी कहा जाता है दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का भाग डू यू नो दो एब मेड अप ऑफ टू वर्ड डू मीनिंग वर्स टू एब मीनिंग वर्स वाटर सिमिलरली पंजाबी ऑल्सो मेड अप तो वर्ड पंच मीन फाइव अब मीन मीनिंग रिवर पांच नदियों से बना क्षेत्र यानी पंजाब द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर गंगा प्लेन घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है इस स्प्रेड अवर द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया के किर किस स्टेट में फैला हुआ हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द टू इट्स इट्स पर्टिकुलरली इन आसाम हिल्स ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और वेस्ट बंगाल के में इसकी तरफ फैला हुआ और इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फैला हुआ है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेराइटेशन इन इट्स लीव जब हम प्लेन के बारे में नॉर्दर्न प्लेन के बारे में सुनते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कोई वेराइटेशंस नहीं है ये सभी जगह समतल है इट इज़ नॉट ट्रू लेकिन ये सत्य नहीं है दिस वॉ प्लेन हैव ऑल्सो डाइवर्स रिलीफ फीचर यहाँ भी आपको विभिन्नताएँ देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द वैराटेशन इन रिलीफ फीचर्स इसकी भू अकृतियों में डिफ्रेंसिस देखने को मिलेंगे आपको द नॉर्दर्न प्लेन कैन भी डिवाइड इन टू फोर रीजन नॉर्दर्न प्लेन को भी फोर रीजन्स uh, में बांटा गया द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्राम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अरो बेल्ट ऑफ जो नदियाँ माउंटेन से बहती uh, हुई आती हैं वो अपने साथ एक नैरो बेल्ट में के में से निकलती हैं तो एट टू सिक्सटीन किलोमीटर उसकी चौड़ाई है विथ लेंग पैरल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक शिवालिक पहाड़ियों के ढाल से निकलती हैं और एक गहरा एरिया बनाती है गड्ढा टाइप बोलते हैं इसको बोलते हैं भाबर इट इज़ नोन एज भाबर ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट और इस बेल्ट में आकर सभी नदियाँ डिसअपेयर हो जाती हैं साउथ ऑफ दिस बेल्ट लेकिन इसी बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स या रिवर है री एमर्ज तो वहाँ से वापिस पुनः निर्माण होता है नदियों का एंड क्रीट ए वैट वहाँ पर दलदली इलाका दिखने को मिलता है स्वयं या मार्सी रीजन ये हिमालय प्लेन की बात कर रहे हैं मार्सी रीजन नोन है तराई इसको कहा जाता है इस एरिया को तराई दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइट यहाँ पर थिकली फॉरेस्ट एरिया है और वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी मात्रा में मिलता है तो जंगली जीव जंतु आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे द फॉरेस्ट हैव है क्लेट टू क्रिएट एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए पार्टीशन के बाद उनको यहाँ पे सेटल किया गया एग्रीकल्चर लैंड दी गई इनको लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन ये आपको ढूंढना है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टेट नेम बताना है आपको द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इन फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूमिनियम नॉर्दर्न जो प्लेन एरिया है वो ओल्डर्न पुरानी जलोड मिट्टी से बना है इट लाई अबाउ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रजेंट ए टेरिस लाइक फीचर्स ये कहाँ पे मिलेगा जहाँ से फ्लड प्लेन जहाँ बाढ़ वाला इलाका है नदियों का और जो टेरस टाइप में है वहाँ देखने को मिलता है दिस पार्ट इज नोन एज बंगर इसको कहेंगे बंगर सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन कैल या इस एरिया में जो मिट्टी मिलेगी चुनेदार पत्थर टाइप की मिलती है लोकली नोन एज कंकर जिनको लोकल लैंग्वेज में कंकर कहा जाता है द न्यूअर यंगर डिपोजिट जहाँ पे हर साल नदियाँ नई मिट्टी को बहाकर लाती है ऑफ द फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर वो उसमें तो क्या है ओल्डर है यानी पुरानी जलोन मिट्टी पाई जाती है उस, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा बांगड़ दिस पार्ट नॉन इज बैंगड़ ये पुरानी कितना आपको ध्यान रखना है इसमें ओल्डर एन्यूम और इसमें यंगर डिपॉजिट ऑफ फूड प्लेन आर कॉल खदर दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर प्रतिवर्ष अपने साथ नए डिपॉजिट लाती है सो आर फर्टाइल दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेटर है द पेनिसर प्लेटियो अब नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स है इंडिया का पेनिसो प्लेटियो यानी प्रादीपीय पठार द पेनेसुलर प्लेट्यो इज अ टेबल लैंड मेज की तरह के आकार का है ये पेनिसो प्लेट्यो कंपोज ऑफ द ओल्ड किस्टलाइन इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक से बना है इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड देकिंग इज इट इज अ पार्ट ऑफ द ओल्डस्ट लैंडमार्क्स को ओल्डर लैंडमार्क्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन समय में जब हमारा अर्थ का इंटेरियर डि डिवाइडेशन हुआ था गोंडवाना लैंड का एक भाग है द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शारो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स इस प्लेटो में ब्रॉड और सैलो वैलीज देखने को मिलेंगी राउंडेड हिल्स देखने को मिलेगी दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स इस प्लेटू का दो मेन भागों में बांटा गया द सेंट्रल हाईलैंड यानी केंद्रीय उच्च भूमि और दखन प्लेट्यू यानी दक्षिणी पठार द पार्ट ऑफ द पैनेसर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर द पैनेसर प्लेट्यू जो नॉर्थ नर्मदा नदी के नॉर्थ पर है कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू वो मालवा पठार का काफ़ी एरिया कवर करता है इज नोन एज द सेंटर हाईलैंड उसी एरिया को कहा जाता है सेंटर हाईलैंड यानी मध्य उच्च भूमि द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज विंध्या रेंज चारों तरफ से किससे गिरी है सतपुरा रेंज से ऑन द साउथ ऑन द अरावली हिल ऑन द नॉर्थ साउथ में सतपुरा रेंज और नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली हिल से घिरी हुई है द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान और वन वेस्टर्न की तरफ से ये धीरे धीरे जो सैंडी सॉइल है रॉकी डेजर्ट एरिया है राजस्थान का उसमें मिल जाते हैं द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन और यहाँ पर नदियों का आपको जब बारिश के टाइम में कुछ नदियों का फ्लो देखने को मिलेगा नेमली द चंबल सिंध बेतवा केन ये सारी नदियाँ बहती हैं इन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है दस इंडिकेटेड दस लोग जो इसका ढाल बताता है कि साउथ वेस्ट से इनका ढाल किस तरफ है नॉर्थ ईस्ट की तरफ द सेंटर हाईलैंड और वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो वेस्ट वेस्ट में इसका जो एरिया है चौड़ा है और ईस्ट की तरफ नेहरू है द ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है जो इस प्लेट्यू का उनको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है बुंदेलखंड uh, या बघेल द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटो इसी ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन का एक पार्ट है जो दामोदर रिवर तक है द दक्षिण प्लेटोज ट्रिंगल लैंडमार्क त्रिभुजा कर का भूभाग है लाइट ऑफ द साउथ ऑफ़ द रिवर नर्मदा नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ ये स्थित है द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस्ड इन द नॉर्थ वायल द महादेव कैमुर हिल्स एंड द महकाल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंस सतपुरा जो रेंजेस uh, हैं वो ब्रॉड है चौड़ी है नॉर्थ की तरफ से जबकि महादेव कैमूर हिल्स और मेकाल रेंजेस है ईस्टर uh, एक्स पूर्व की तरफ फैली हुई है लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आप जो मैंने आपको पहले मैप पर बताया था उसमें आपको ये नेम ने मिल जाएंगे दखन प्लेटूज हायर इन द वेस्ट जो दखन प्लेटू है वेस्ट की तरफ हायर है स्लोप जेंटली उसका ढाल ईस्ट की तरफ है एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय और इसका कुछ भाग नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी देखने को मिलेगा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेघालय कार्वी अंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचर्स हिल्स इट इज़ सेपरेटेड बाय फॉल फ्रॉम अ छोटा नागपुर प्लेट्यूम ये एक पुराने समय में अपभ्रंश के कारण कुछ ऐसी चेंजेज आए हैं जिसके कारण छोटापुर छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो खासी एंड जैंता हिल्स जो ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगी अब है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस ऑफ दक्कन प्लेट्यू दक्कन प्लेट्यू में आपको वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासिस ओनली और ये वेस्टर्न घाट है जो कंटिन्यू सतत बने हुए हैं और इनको पार दरों के द्वारा पार किया जाता है लोकेट द थाल भोर एंड पाल घाट इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया ये वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं। द वेस्टर्न घाट और हायर देन ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट हाई है ईस्टर्न घाट की कंपेरिजन में देर एवरेज एलिवेशन इन हंड्रेड सिक्सटीन मीटर्स एज अगेंस्ट क्योंकि ईस्ट की तरफ तो कितने मीटर्स हैं सिक्स हंड्रेड मीटर और वेस्ट की तरफ नाइन टू सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महा नदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ ईस्टर्न घाट कहाँ तक फैले हुए महानदी वैली से साउथ में नीलगिरी हिल्स तक द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू ये कंटिन्यू नहीं है जबकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है सतत है ये डिसकंटिन्यू न इरेगुलर है डिसेक्टेड है बाय द रिवर ड्रेनिंग इन टू देओं क्योंकि नदियाँ इनको कई भागों में बांट देती हैं जो बेओ बंगाल में गिरती हैं वेस्टर्न घाट कॉज ऑरियोग्राफी रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू द राइस अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट वेस्टर्न घाट में इन जो पहाड़ी जो हाई इलाका है वहाँ पर जो वर्षा वाली पवने हैं टकराकर कर यहाँ पर बारिश करती है वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट इस तरह बारिश करती है वेस्टर्न घाट आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम इनको अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू तो साउथ धीरे धीरे ये जो इसकी हाइट है नॉर्थ से लेकर साउथ तक बढ़ती जाती है द हाइस्ट पीक इंक्लूड द अन्ना मुडाई और साउथ में जो हाइएस्ट पीक कौन सी है अन्ना मुडाई कितनी मीटर ऊंचाई uh, कितनी है टू थाउजेंड सिक्स नाइन्टी फाइव मीटर्स एंड डोडा बेट्टा टू थाउजेंड सिक्स थ्री सेवन मीटर्स महेंद्रगिरी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन मीटर इज़ द हाइस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में तो है अन्ना उंड वेस्टर्न घाट की तरफ है महेंद्रगिरी शेवरा हिल्स एंड जावादी हिल्स आर लोकेट टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उडई मंडलम पॉपुलर्ली नोन है ऊटी और कोडाई कनाल साउथ में ये दोनों हिल स्टेशन इसी एरिया में आते हैं वन ऑफ द डिस्टिंग फीचर्स ऑफ द पेनेसल प्लेटो इज टू ब्लैक सॉइल एरिया नोन है दखन ट्रेप एक मुख्य विशेषता है यहाँ की ब्लैक सॉइल एरिया है जिसको दक्षिण ट्रैप से भी नाम से जाना जाता है दिस इज वॉलकैनिक ओरिजन क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा निकली गई है निकली है ये द देंस द रॉक्स आर इग्नियस एक्चुअली क्योंकि यहाँ के जो रॉक्स है इग्नियस है आग्निय चट्टानों से बनी है एक्चुअली दी रॉक्स हैव डी नीडेड अवर टाइम और इसको बनने में बहुत टाइम लगा है ऑन रेस्पॉन्सिबल फॉर द और इनके जो जो भी टाइम पीरियड इनको लगा है उसके कारण यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ ब्लैक सॉइल का द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनासुलर प्लेट्यो दे आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड फाउंड एट ब्रोकन हिल्स हाईली एरोडेड हिल्स हैं यहाँ पर और फाउंड एड ब्रोकन हिल्स दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली अरावली हिल्स की बात करें जो गुजरात से दिल्ली तक साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई हैं अब है इंडियन डेजर्ट एरिया भारतीय रेगिस्थान द इंडियन डेजर्ट लाइट ट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स के वेस्ट की तरफ है इट इज़ एंड अंडोलेटिंग सैंडी प्लेन कवर विथ सैंड्यूज यहाँ पर तीले टीले आपको देखने को मिलेंगे दिस रीजन रिसीड वेरी लो रेल फॉन्ट बिलो वन फिफ्टी मिलीमीटर पर ईयर एक साल में डेढ़ सौ मिलीमीटर वर्षा होती है इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन लो वेजिटेशन पेड़ पत्ते पेड़ पौधे बहुत ही कम देखने को मिलेंगे कवर स्ट्रीम्स अपड ड्यूरिंग द रेनी सीजन बारिश के सीजन में कुछ नदियाँ बहती हुई आपको दिखेंगी सुन आफ्टर दे लेकिन ये भी बहुत जल्दी डिसपेयर गायब हो जाती है इन टू द सेंड रेतीली मिट्टी में गायब हो जाती है एंड डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी उसके बाद उनमें इतना वाटर नहीं होता है कि समुद्र में जाकर मिल सके लूणी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन बट चांस क्रिसेंट शेप डूस रेतीले टेले मिट्टी के टेले बर्शांस यानी अर्ध चंद्राकार जो होते हैं कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूड लंगे लम्बत लंग तीले बिकेम मोर पर्म नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज पर आपको देखने को मिलेंगे इफ यू विजिट डेस्टलमे यू मे गो टू तो सी अ ग्रुप ऑफ ब्रांचेज द कोस्टर्न प्लेन टट्ट मैदान द पेनासल प्लेटो एज फ्लैंक्ड बाय स्टैच ऑफ नैरो नैरोस्टर्न स्टीप रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी जो अरेबियन सी की तरफ है वो वेस्ट की तरफ और और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की तरफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोर्ट किसके बीच में है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में इट इज़ ए नैरो प्लेन एरिया है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन इसको भी तीन भागों में बाट बांट बांटा गया है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण मुंबई गोवा वाला एरिया सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन वाइल द साउदर्न स्टेट इज रेफर टू मालाबार कोस्ट मैप में आप देखना है ये तीनों ही नेम मिलेंगे आपको द प्लेग अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल लेकिन यहाँ जो ईस्ट की तरफ है जो प्लेन एरिया है वो चौड़ा है और इसके बे ऑफ बंगाल के भी, भी साथ में इन द नॉर्दर्न पार्ट इज रेफर टू नॉर्दर्न सर्कस नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न सर्कस वाइल्ड द साउदर्न पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट लार्ज रिवर्स सच एज महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी है फॉर्म ड सिर्फ डेल्टा ऑन दिस कोड इस कोस्टी इलाके में ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है लेक चिल्का इज इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग दस्टर्न को लेक चिल्का लेक भी आपको ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मिलेगी द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इन लाई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा इस चैप्टर के आपको हर चैप्टर के साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाना है ताकि आपको ईजी जल्दी लर्न हो जाए